नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। बेटी होना एक महिला के लिए इस कदर अभिशाप बन गया कि उसके पति और सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और जबकि वह महिला अपने उसके घर से चली गई, उसके बाद भी उसे बदनाम करने में तरह तरह की बातें की जा रही है। थाना कोतवाली में पहुंची आज महिला अपने सास ससुर और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। महिला ने बताया कि उसकी शादी धर्मेश गोयल नाम के व्यक्ति से हुई थी। इससे पहले तो वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से बेटी का जन्म हुआ है तब से उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सास दहेज का ताना मारती है और पति किसी न किसी बात पर लेकर उसको प्रताड़ित करता रहता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ससुराल वालों ने महिला को घर से बाहर नहीं निकाल दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति धर्मेश गोयल उसे ब्लैकमेल करता है और उसके फोटोग्राफ जबरन वायरल करने की धमकी भी देता है। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि उसकी सास बहू के चाल चलन के ऊपर कई तरह की बातें करती है। महिला ने यह बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसका मोबाइल लेकर रख लिया गया था, और इतना ही नहीं, उसे किसी और से बात करने की अनुमति तक नहीं थी। बात समझ से परे है कि यदि महिला का चाल चलन ठीक नहीं था तो बेटी होने तक उसे घर में क्यों रखा गया। बेटी होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो सब सामने आ गया। मामला चाहे जो भी हो, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ सर, मेरी एफ आई आर कटी हो रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी उन लोगों को जो मेरा नाम खराब कर रहे हैं, मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर और मेरे परिवार वाले। और अब जब उन पर कार्रवाई होगी तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। मैंने इसके लिए सबके आगे हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरे परिवार वालों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माने। मैंने अपने समाज के अध्यक्ष जी को भी आवेदन दिया कि हम लोग की बैठ के बात करवा दूँ, वो मेरा नाम खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब एफ आई आर कटी की कार्रवाई होगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। एक सवारी ऑटो पलटने से कई बच्चे हुए जख्मी, पहुंचाया गया जिला चिकित्सालय। विभिन्न स्कूलों से बच्चे ले जा रहा था विवेक कॉलोनी की तरफ एक ऑटो, अचानक सामने चल रहे एक ऑटो ने ब्रेक लगा दिए, जिससे बचाने के फेर में ऑटो पलट गया, जिसमें बैठे करीब 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जिला प्रशासन कई बार मुहिम तक चला चुका है कि ऑटो संचालक को हिदायत भी दी गई है कि ज्यादा सवारियां ना बैठाएं, उसके बाद भी आज यह हादसा हुआ। हादसा बड़ा भी हो सकता था क्योंकि इस ऑटो में तकरीबन 7 से 8 बच्चे बैठे हुए थे। बेटा इसके अलावा कहीं और चोट लगी आपको? नहीं लगी है। और कहाँ पे हुआ ये? यहीं पे मगर चाला का हुआ था। अंकल ने बहुत बचाने की कोशिश करी, उसने आगे पिछले ब्रेक कर कर लिया, उन्हें काटा तो उसमें लग गया। किस चीज़ से हुआ है? ऑटो से। दोनों ऑटो थी? हाँ। तो आपकी ऑटो पलट गई? हाँ। कुछ नहीं, आगे से एकदम मान ब्रेक मार था, पीछे मेरी हथी गाड़ी आगे उसकी हथी। कितने वो कितनों की लग गई? 6-7 के। कहाँ पे ऑटो कहाँ पे पलटा है? यहीं पे। प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए योजनाओं के बाद भी आज किसानों के हाथ खाली और उनके दिल भरे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन दावे कर रहा है कि किसानों को भरपूर पैसा दिया जा रहा है, वहीं इतनी सारी योजनाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया नानाखेड़ी मंडी में, जहां एक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचा। जब वहां पर बोली लगाई गई तो उसकी बोली 2800 रुपए लगी।
किसान ने वहां पर व्यापारी से यह कहा कि इतने कम दाम में मुझे नहीं बेचना और वे अपना अनाज लेकर वहां से चल दिया। दूसरी जगह जब उसने फसल बेचनी चाही तो वहां उसको ज्यादा पैसे मिल रहे थे कि अचानक पहले वाला व्यापारी आ गया और उससे धक्का मुक्की की, साथ ही उससे अनाज की भरी बोरी फाड़ दी जिससे पूरा अनाज रोड पर फैल गया। अब देखना यह होगा कि किसान की मदद करने के लिए प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। बोल के पर हमने कही कि इसे नहीं दें, बहुत कम बोली लगी है तो बोली बने वो पर्चा कैंसिल नहीं करो और दूसरी जगह हमने 1500 में बेचो तो जान कर रोक दे, दूसरे व्यापारी नहीं लेंदा 1500 में बोरी फाड़ दें और रोक दई बा मंडी भी नीचे फैला दो, फैलो डर बेचो डर में फैलो नीचे फैला दो। ओमकार लाल चोपड़ा ग्राम भूतमढ़ी मंडी नाना खेड़ी मंडी ये गुना 1000 बिको और दूसरी जगह 1500 से बकरा भने बिकंदा और बोली के कैंसिल नहीं करेंगे हमारे यहाँ बेचो। हाँ जेम का टेडर, जेम का टेडर। प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक पन्नालाल शाक्य जिसमें उन्होंने देखी अनेक तरह की खामियां। मौके पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं मिला, सिर्फ कर्मचारी और लेबर के भरोसे ही किया जा रहा था ये काम। विधायक ने नाराजगी जताते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करी कि इतना महत्वपूर्ण काम केवल लेबर के भरोसे कैसे किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने उत्तर दिया कि वे बाहर गए हुए हैं और आकर देख लेंगे। विधायक ने कहा कि गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास को जो कि उनका सपना है, अगर इसकी मजबूती में कमी आती है तो भविष्य में कोई भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उक्त निर्माण कार्य लगातार प्रशासन की निगरानी में हो, इसे तो प्रशासन से बात भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ सांसद प्रतिनिधि संतोष धाकड़, भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, सीपी राव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने गुना नगर में जो पीएम आवास बन रहे हैं उसे देखने आए थे हम, तो यहाँ जिस कंपनी के द्वारा ये काम चल रहा है कोई अधिकृत रूप से तो व्यक्ति मिला नहीं, सब कर्मचारी हैं। अब वो कोई ठीक बात नहीं बता पा रहे हैं, ना कहा कि अब कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शादी है उसकी बेटी की तो मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है बात करा, तो बात करने के बाद मैंने कहा सब मैं आ रहा हूँ सब शादी के बाद। अभी कुछ कमियाँ पाई मैंने जो देखा है वो मैंने अपने पॉलीथीन की थैली में रखी है। कंपनी का जो काम है वो तो लैब में जाएगा तब मालूम पड़ेगा, ईंट है और अपनी सीमेंट और बजरी और उसका जो मिलान है वो उनके इस प्लांट को बताते हैं कि वहाँ मिक्स किया जाता है। अब वो किस स्तर पर उसमें बजरी बसुआ और सीमेंट मिला रहे हैं वो अपन ने भर के रखा है, एक ईंट का भी नमूना ले कर रखा है किस स्तर की ईंट उसमें प्रयोग की जा रही है। सरिया भी देखा मैंने उसमें, सरिया 12 mm 10 mm ऐसा कुछ बताते हैं। आपने ईंट उठाई थी तो वो तो उठाते थे, आपने देखा हाँ हाँ क्या घटिया है क्या। हाँ इस स्तर की ईंट नहीं लगना चाहिए उसमें, ईंट तो कमज़ोर है ये बात से। मैंने उठाई और उस पर ऐसा देखा तो एकदम गिर गई वो पूरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना के तहत ग्राम पंचायत विनायक खेड़ी में गुना विधायक पन्नालाल शाक ने विधिवत पूजन कर भूमि पूजन किया। गांव वालों ने उनका आभार भी जताया। इस अवसर पर जिला सदस्य सीमा धाकड़, सरपंच वीर सिंह धाकड़, सांसद प्रतिनिधि संतोष धाकड़, भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, प्रकाश शर्मा एवं अनेक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
ओम प्राधी पता नहीं मतलब लोग सज्जा लोग मारना कौन सी मतलब मित्र को कितना देवता बिना जी अब मैं कुछ मिठाई चला दी है ओम तो की मिठाई हम कुछ मागम देवता बिना आगन चुके मागम देवा की पूजा करते हैं कुछ मांग सकते हैं धूपम दीपम देवा हम कुछ मागम देवता बिना समर्पण कुछ मांग देवता समर्पण जी हां जी हम्म 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 योजना के क्रम में ऊना विधानसभा में 7 स्थानों पर स्थान तय हुए हैं कि इन जगह पर अपन को नल जल योजना लागू करना है। उसके क्रम में अपन ने अभी ये तीसरी जगह पर किया है, एक खेजरा कर चुके थे और एक सिंहवासा, तीसरा ये विनायक खेड़ी, चौथे में हम आ जाएंगे अभी सकतपुर। तो जनमानस को, जनता को, यहाँ के पंचायत को पानी की समस्या ना रहे इसके क्रम में ये भूमि पूजन हुआ है। यहाँ बोरिंग होने वाली है, अभी 3 बोर होंगे और 3 बोर के बाद यहाँ बनेगी टंकी। टंकी से सारे नगर ग्रामवासियों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं उसमें ये एक काम ये भी है। ऑस्ट्रेलिया में 3 दिसंबर को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पैसिफिक स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में नेटबॉल के लिए 15 वर्ष से कम उम्र की आयु में 5 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था। इनमें से 3 छात्राएं गुना जिले की थी। अचानक से तीनों के जाने पर रोक लगा दी गई। वजह पूछे जाने पर बताया गया कि उनके डॉक्यूमेंट समय पर नहीं पहुंच पाए थे। बता दें कि लोक शिक्षण संस्थान भोपाल से 31 अक्टूबर को जारी एक प्रपत्र में इन तीनों बच्चियों के नाम नेटबॉल में 15 वर्ष उम्र की बालिका श्रेणी में रखा गया था। इसमें निर्देश दिए गए थे कि 3 दिवस के भीतर बच्चियों का पासपोर्ट मेल द्वारा संचालय में प्रेषित किया जाना चाहिए। समस्या पर है कि छोटी बच्चियों का पासपोर्ट 3 दिन में कैसे बनेगा, क्या इसके लिए प्रशासन को कोई मदद नहीं करनी थी। वही बच्चियों के अभिभावकों का कहना है कि इन 3 बच्चियों के स्थान पर हो सकता है संचालय ने अपने ही बच्चों को या किसी रिश्तेदारों को वहां पर जोड़ दिया हो। मामला चाहे जो भी रहा हो, पर जब से बच्चियों ने सुना है कि वो नहीं जा रही है तब से वे उदास है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। हमारी बात ईशा सोनी और उसके अभिभावकों से हुई तो उनका यही कहना है कि हमने तो समय पर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दिए थे, उसके बाद भी संचालय की तरफ से ना जाने क्या चूक हुई कि उनका नाम वहां से हटा दिया गया। ना जाने उनकी कौन सी मजबूरी रही होगी या फिर कोई खास व्यक्ति का फोन आ गया होगा जिनके बच्चों को वहां पे सिलेक्शन टीम में भेजना हो। वहीं जब हमने 2 और बच्चियों से बात करना चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका यही था कि साहब प्रशासन को ऐसा नहीं करना था, अगर हमें भेजना ही नहीं था तो झूठी तसल्ली देने की क्या जरूरत थी। जब से बच्चियों ने सुना है तब से वह घर से बाहर नहीं निकल पा रही है और पूरा टाइम उदास ही बैठी रहती है। देखना यह होगा कि इस घोर लापरवाही में जिला प्रशासन क्या कोई हस्तक्षेप कर पाएगा या फिर हमेशा की तरह हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ तमाशा ही देखता रहेगा। अचानक ही बोल के गेम होता है नेट बॉल के लिए 15 से कम उम्र वाली श्रेणी में रखा गया था। इसमें निर्देश दिए गए थे कि 3 दिवस के भीतर पासवर्ड का आप ही कर दो। सही है, आवाज आ रही है। आप नेटबॉल जो सुना है आपका सिलेक्शन हो गया था बाहर जाने के लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो क्या हुआ वहाँ? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सिलेक्शन हो गया, पहले तो इन लोगों ने कहा कि सिलेक्शन हो गया आपका पक्का है। 16 तारीख तक इन लोगों ने कहा कि आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स ला के दे देना और पासपोर्ट ला के ओरिजिनल हमें दे जाना कि आपका तो हो गया। और लेकिन फिर 17 तारीख को जब हम पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने मना कर दी कि अब आपका देर हो चुकी है और आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। हाँ, तब तक तो सब 8 तारीख को पासपोर्ट कंप्लीट हो गया था, आते आते थोड़ा उसको टाइम लग गया था लेकिन वो आ गया था, तब हम तुरंत ही चले गए थे भोपाल से देने। तो फिर क्या कारण रहा उन्होंने मना कर दिया आपसे? वो लोग तो ये कह रहे थे कि आप लेट हो गए हो इसलिए
कि आपका अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और हमारी जगह दूसरे बच्चों को ले दिया। कितनी तारीख को जाना था यहाँ से ऑस्ट्रेलिया? 3 दिसंबर को जाना है, अभी जाना। 3 दिसंबर को जाना है? लिस्ट में नाम आ गया था आपका? सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया था। शिक्षा संस्थान के संचालक जो अनु पवन भदौरिया मैडम है, उनकी मनमानी चल रही है इसमें। वो अपने हिसाब से टीम को ले जाना चाहती हैं, जिसको चाहें ले जाएं, जिसको चाहें नहीं ले जाएं। ये कौन है जो आप? ये लोक शिक्षा संचालय की संचालक है, भोपाल DPI। इन्होंने मनमाने ढंग से पेपर मंगाए, कम से कम 8-10 बार जाके पेपर दिए इनको, पूरे कम 10 राउंड लग चुके हैं। इनका पहले सिलेक्शन हो गया था, पूरे डॉक्यूमेंट मांगे, 6 तारीख तक पूरे डॉक्यूमेंट मैंने अवेलेबल करा दिए थे इनको, जाके 6 तारीख तक पूरे दे दिए थे। उसके बाद एक तो और पेपर मांगे, वो भी ले जाके दे दिए। उसके बाद इन्होंने पासपोर्ट की कॉपी मांगी तो 9 तारीख को दे दी थी, और ओरिजिनल पासपोर्ट 17 तारीख को आया था। 16 तारीख तक इन्होंने सबने बोला कि हाँ आप पासपोर्ट ओरिजिनल लेके आ जाइए, आपकी भतीजी का सिलेक्शन पक्का है और जो लिस्ट में नाम आ चुका है वो 3 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया जाना है। बस जब 17 तारीख को ओरिजिनल पासपोर्ट लेके गया तो इन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे संचालक मैडम से बात कर लें। उनसे बात करी तो उन्होंने ना तो बात करी ढंग से, बात करने का तरीका भी नहीं आता इन्हें, मतलब ना बच्चों से बात की, बच्चों को फटकार लगाते हुए उन्हें बाहर जाने को बोल दिया कि अब आपका नहीं हो पाएगा, आपकी जगह दूसरे बच्चे जाएंगे। डीजे नामा आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।